आजकल नसों में कमजोरी हो जाना एक आम समस्या हो गई है। अगर नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो वेरिकोज वेन बाहर की तरफ उभर कर आने लगती हैं। नसों के गुच्छे दिखाई देते हैं, यह नीले नीले नज़र आते हैं जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और साथ ही नसों के बंद होने से कई बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। कई बार नसों के ब्लॉकेज से हार्ट अटैक जैसी समस्या भी हो जाती है। इस बीमारी का मुख्य कारण है कि लोग आजकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, योगा व्यायाम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही खाना खाते ही ऐसे खाने जो कि शुद्ध भी नहीं हैं, तो इसकी वजह से नसों में फैट बढ़ता जा रहा है और यह एक जगह जमा होता जा रहा है जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। नसों के बंद होना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। जब आपकी नसें बंद होने लगती हैं तो बहुत सारी समस्या आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है मेथी का दाना। मेथी दाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए, नसों के दर्द को दूर करने के लिए और कई सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं जो जमी होती है तो हमें पता है कि उसे पिघलाने के लिए गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है या उसे गर्म करने पे वह पिघल जाती है। जो मेथी दाना है वह गर्म होता है, तभी तो यह आपके जमे हुए खून को पिघला कर उसे बहने में मदद करता है, उसके फ्लो को अच्छा बनाता है। तो आइए हमें मेथी दाना किस तरह से इस्तेमाल करना है जानते हैं। एक ग्लास पानी ले लेना है और यह प्रक्रिया हम रात में कर रहे हैं। रात के समय आप एक चम्मच छोटे चम्मच से मेथी दाना ले लें और इसमें पानी में डाल दें और इसे ढककर पूरी रात हमें छोड़ देना है। जब इसे पूरी रात के लिए छोड़ेंगे और सुबह देखेंगे तो मेथी दाना पूरे अच्छे से फूल चुका होगा और इसका जो रंग है, जो कलर है, वह भी देख सकते हैं, पीला पीला दिखने लग जाएगा और वह रंग पानी में भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का जो रंग है, कलर है, वह पीला हो चुका है और मेथी दाना भी अच्छे से फूल गया है। इस तरीके से ही यह इस्तेमाल करना है। आगे मैं बताती हूँ, आपके जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द, घुटने में सूजन, जोड़ों में सूजन, हर प्रकार के दर्द और सूजन को यह दूर कर देता है, इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ छोटा सा अदरक। देखिए, आधे इंच का यह अदरक का टुकड़ा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा सा अदरक ले लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अदरक बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और यह गर्माहट देता है जिससे हमारी जो भी नसों में ब्लॉकेज हैं वह खुलती हैं। ज़्यादा बड़ा अदरक का टुकड़ा ले लेना नुकसान भी कर सकता है। इस रेमेडी को लेने के लिए मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से लेना है, तभी यह फ़ायदेमंद होगा। ज़्यादा और कम भी नहीं लेना है। तो आइए देखिए, आधे इंच का अदरक है, इसे धो लिया है और इसके छिलके उतार दिए हैं। अदरक
जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है और नसों की ब्लॉकेज को खोल देता है। आइए इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है जानते हैं। इसके लिए गैस पर रख देंगे एक पैन और इसमें हम डाल देंगे चुरात पर हमने मेथी दाना भिगोया था, पानी के साथ ही इसे डाल दें। और भी चीज़ें इसमें हम डालेंगे तो यहाँ इस पे हम आधा ग्लास और पानी डाल देंगे, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो पानी कम ना पड़े और इसे अच्छे से पकने में मदद मिले। गैस को ऑन कर लेना है और हाई फ्लेम पर छोड़ देना है उबलने के लिए। साथ ही एक छोटा सा यह आधे इंच का टुकड़ा अदरक का कूट लिया है हमने, इसको हम डाल देंगे इसमें उबलने के लिए। जो क्वांटिटी हमने बताई है वही हमें इस्तेमाल करनी है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी की लकड़ी यह एक इंच की ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है बड़ी। यह गर्माहट देती है, दर्द को दूर करती है। ज़्यादा बड़ी दालचीनी लेने से नुकसान कर सकता है, तो जितनी बड़ी देख रहे हैं इतनी ही बड़ी इस्तेमाल करें। अब इसे हमें उबलने के लिए छोड़ देना है। इसे तब तक उबालना है जब तक यह एक तिहाई हिस्सा ना बच जाए। अब इसे कैसे लेना है इस तरीके को मैं बताऊंगी, उसी तरीके से आपको लेना है तभी यह आपको फ़ायदा करेगी। अपने मर्जी से नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान कर सकती है। देखिए अब यह एक तिहाई हिस्सा बच गया है पानी, तो हम इसे छानकर कप में निकाल लेंगे। अब यह एक चाय बनकर तैयार हो गई है। तो इस चाय को हमें कैसे लेना है, किस वक्त लेना है, आइए जानते हैं। चाय को आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है, लेकिन इसे लेने के आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि खाली पेट हम इसे नहीं ले सकते हैं, खाली पेट लेने से यह पचता नहीं है, पेट में समस्या हो जाती है। तो उनके लिए बता दूं कि इसे जब आप सुबह नाश्ता कर लेंगे तो नाश्ता करने के आधा घंटे के बाद ले सकते हैं, और इसे लेने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब रेमेडी दूसरी बता देती हूँ। दूसरी रेमेडी में जिनको भी परेशानी रहती है वो ये रेमेडी अवश्य लें। एक गिलास ले लें और इसमें गुनगुना पानी आपको ले लेना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। कोई भी चीज़ जब जम जाती है तो उसको पिघलाने के लिए हम गर्म करते हैं, उसी प्रकार से जब गर्म चीज़ लेंगे तो आपका जो जमा हुआ खून है वह पिघलने लग जाएगा, बहने लग जाएगा और समस्या दूर हो जाएगी। अब इसमें हमने लेना है एक चुटकी हल्दी का पाउडर। आप कच्ची हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधे इंच का कच्ची हल्दी आपको अच्छे से उबाल लेना है पानी में और फिर इसे ले सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल आधा चुटकी ब्लैक पेपर, जिसे हम गोल मिर्च, काली मिर्च भी बोलते हैं, उसका पाउडर हमने कूटकर ले लिया है। ब्लैक पेपर पाचन बढ़ाएगा और यह हल्दी के फायदे को यह 100 गुना बढ़ा देता है। अब देखें हम इसे कैसे लेंगे। तो अब इसके साथ हम लेंगे एक कच्ची लहसुन। यह कच्ची जो लहसुन है यह बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर यह छोटी है तो दो ले लें, बड़ी है साइज में तो एक ही काफ़ी है। इसे आपको कैसे लेना है, तो इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट चबाकर खा लेनी है। उसके बाद इस गुनगुने पानी को आपको धीरे धीरे पी लेना है। इससे आपके जो शरीर है वह बिल्कुल तंदुरुस्त होने लगेगा और
गर्माहट देगा जिससे नसों की ब्लॉकेज हैं वो खुलने लग जाएंगी, गैस एसिडिटी दूर रहने लग जाएगा, जोड़ों का दर्द दूर होने लग जाएगा और जो भी समस्या है वह दूर होगी। दोनों ही रेमेडी लेनी है। हेल्दी हरदम।